वंचित बहुजन अघाड़ी से नांदेड़ जनूब असेंबली हलके के उम्मीदवार फारूक अहमद ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। रेलवे स्टेशन की मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद फारूक अहमद ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्मे पर गुलह अकीदत पेश किया। इस मौके पर अंजलि ताई अम्बेडकर भी मौजूद थी। अंजलि ताई अम्बेडकर और फारूक अहमद ने एक बड़ी रैली की क़ियादत करते हुए तहसील दफ्तर पहुंचकर कागजात नामजदगी दाखिल किए। रैली के जरिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपनी ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद फारूक अहमद ने हज़रत सैयद सआदत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुँच कर फूलों की चादर चढ़ाई। वाज़ह रहे कि नांदेड़ के मुसलमानों की दरीना ख्वाहिश रही है कि शहर से एक मुस्लिम लीडर असम्बली में मुसलमानों की नुमाइंदगी करे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाते हुए मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। कांग्रेस क़यादत हमेशा मुसलमानों को ये कहकर टिकट देने से इनकार करती रही है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिम वोट नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी ने फारूक अहमद को टिकट देकर बताया कि मुस्लिम उम्मीदवार फारूक अहमद को एससी और बुद्ध समाज के पूरे वोट दिलाएंगे। ऐसे में फारूक अहमद की जीत के इम्कान रोशन नज़र आ रहे हैं। नांदेड़ जनूब असेंबली हलके से मुस्लिम दलित और बुद्ध समाज के मुश्तरिका वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए काफ़ी माने जाते हैं। पिछले इंतखाबात में भी वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर पर फारूक अहमद को एससी और बुद्ध समाज के 20,000 से ज़ायद वोट मिले थे, लेकिन मुसलमानों के वोटों की तकसीम की वजह से इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। अब फिर से फारूक अहमद नांदेड़ जनूब असेंबली हलके से मैदान में है और एससी और बुद्ध समाज इनके साथ खड़ा नज़र आ रहा है। ऐसे में मुसलमानों का एक सही कदम इन्हें असेंबली तक पहुंचा सकता है, जिससे मुसलमानों के दरीना ख्वाब को बिना कांग्रेस के ही पाए तकमील तक पहुंचाना मुमकिन हो जाएगा। दक्षिण विधानसभा मतदार संघ का नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने के लिए आए हैं। फारूक सर अहमद हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के यहाँ के उम्मीदवार है और हम ऐसा मानते हैं कि वो सब मजलूमों की आवाज़ है। फारूक सर हे सगळ्या वंचित समूहांचा आवाज आहेत आणि हा आवाज विधानसभेमध्ये पोहोचवायला आमच्यासाठी आणि सगळ्या वंचित समाजांसाठी खूप गरजेचं आहे, कारण कुठल्या केवळ एका समाजाचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत तर सर्व वंचित समाजाचं ते प्रतिनिधित्व करतात, कष्टकरी समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात, बेघर लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात आणि या सगळ्यांचे मुद्दे विधानसभा घेण्यासाठी फारूक सरांनी विधानसभेमध्ये निवडून जाणं ही वंचित बहुजन आघाडीसाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे आणि मी नांदेड दक्षिणच्या सगळ्या उमेदवारांना आवाहन करते की कुठल्याही घराणेशाहीमध्ये नसलेल्या, कुठल्याही गुन्हेगारीचा ठप्पा नसलेल्या वैचारिक भूमिका अत्यंत स्पष्ट असणाऱ्या आणि सर्व पुरोगामी चळवळींचा चेहरा असणाऱ्या फारूक अहमद यांना ताकदीने निवडून द्या। पहले लिस्ट के अंदर हमारा नाम जाहिर करके एक भरोसा जताया था और आज खुद हमारे साथ हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्राध्यापक अंजलि ताई अम्बेडकर जी, वो खुद नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए साथ थी। ये हमारी हौसला अफजाई है, ये हमारे लिए हिम्मत का काम है और आज सभी धर्म जाति के लोगों ने एक अपील के ऊपर यह नॉमिनेशन रैली के अंदर शमूलियत करते हुए शामिल हुए, अपने अपने आशीर्वाद दुआओं से नवाजा, अपनी अपनी मौजूदगी यहाँ पे कही। जो लोग डायरेक्ट नहीं आ पाए थे उन्होंने दूर से ही सोशल मीडिया के जरिए मैसेज और कॉल के जरिए जो दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, शुभेच्छा दिए, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह लड़ाई आज शुरू आज खत्म नहीं हुई है, आज इसका आगाज हो रहा है। इस लड़ाई को हमको इस चुनावी राजनीति में संवैधानिक दायरे के अंदर परिवर्तन और बदलाव के लिए नियुक्ति किए वाले लोकशाही के मार्ग से हमको उम्मीदवार को चुनकर देना है। आने वाले वक्त में 5 सालों तक इन 50 सालों की विषमताओं का, इन 50 सालों की कमियों का, इन 50 सालों से नुमाइंदियों की वजह से जो नुकसान हुए उनको भरने के लिए तमाम वंचितों के, बहुजनों के, सब धर्म जाति के लोगों को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए इंशाल्लाह नांदेड़ दक्षिण की आवाम हमको वंचित बहुजन आघाड़ी के आमदार के नाते असेंबली के अंदर भेजेगी, ये उम्मीद और ये दरखास्त करते हैं।